हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू बायो स्टीच। माय नेम इज सुभाष एंड आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेंडल्स लॉज। मेंडल के लॉज को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वंशागति के नियम। वंशागति के नियम, ठीक है। तो मेंडल हैज गिवन थ्री लॉज। मेंडल हैज गिवन थ्री लॉज, ओके, थ्री लॉज दिए। इन्हीं थ्री लॉज को लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टू एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थ्री। तो थ्री लॉज दिए, क्या क्या नाम उनके। सबसे पहले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हिंदी में अगर कहें तो ये कहते हैं इसको प्रभाविता का नियम। और सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। इसको एक नाम और दिया गया है, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है हिंदी में पृथक्करण का नियम, ठीक है, पृथक्करण का नियम, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। समझ में आया आपको। ये था सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, यह है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो मेंडल ने ये थ्री लॉज दिए। फर्स्ट जो लॉ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वन, ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। और सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, हिंदी में पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। और थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो कहलाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मींस स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। तो मेंडल ने ये थ्री लॉज दिए। एक्चुअली मेंडल ने लॉज कभी नहीं दिए थे, ठीक है, मेंडल ने लॉज नहीं दिए थे। मेंडल ने क्या दिए थे, मेंडल ने दिए थे पोस्टुलेट्स, ठीक है, पोस्टुलेट्स। इनको हिंदी में कहते हैं अवधारणा, ठीक है। मेंडल ने अवधारणा दी थी और इन पोस्टुलेट्स को लॉज बनाने का काम किसने किया, ये किया था एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कोरेंस, ठीक है। मेंडल ने जो भी पोस्टुलेट दिए थे उनको कार्ल कोरेंस नाम के एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने लॉज बना दिया। आपको याद होगा मेंडल की बायोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि यूरोप से तीन साइंटिस्ट आए थे, ठीक है, थ्री साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रीडिस्कवर किया था, ठीक है, क्या किया था, रीडिस्कवर किया था। उसमें से एक तो यही थे कार्ल कोरेंस, ठीक है, दूसरे थे ह्यूगो डी व्रीज और तीसरे थे एरिक वॉन शर्मैक,
ठीक है। ये थ्री साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के सारे वर्क को, सारे एक्सपेरिमेंट को रीडिस्कवर किया था, ठीक है। तो उसमें से जो कॉल कोरेंस थे, ठीक है, कॉल कोरेंस ने मेंडल के सारे पोस्टुलेट, सारे एक्सपेरिमेंट को क्या बना दिया, लॉज बना दिया था। तो ये थे मेंडल के लॉज। अब पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एज्यूमिंग समथिंग ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग मतलब तर्क वितर्क के आधार पर किसी चीज को सच मान लेना, ये कहलाता है पोस्टुलेट, ठीक है। अपने आप में किसी चीज को सच मान लिया, ठीक है, और तर्क दे दिया कि ये इस वजह से सच है ये बात, तो उसी को कहते हैं पोस्टुलेट, ठीक है। तो एज्यूमिंग समथिंग ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, इसी को अवधारणा कहते हैं। समझ में आया आपको? तो हिंदी भी देख लो उसको, तर्कों के आधार पर किसी बात को या किसी चीज को, ठीक है, सत्य मान लेना, ठीक है, सत्य मान लेना, ये कहलाता है, किसको कहते हैं, अवधारणा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा पोस्टुलेट या अवधारणा। तो मेंडल ने ये थ्री लॉज दिए थे। अब आइए हम पढ़ते हैं पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस मींस प्रभाविता का नियम। ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार क्या होता है, दी करैक्टर विच एक्सप्रेस इट्सेल्फ इन F1 generation is called dominant, ठीक है, and the character which does not एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एफ वन जनरेशन, इज कॉल्ड रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव करेक्टर, ठीक है, यह है डोमिनेंट करैक्टर। ठीक है, द करैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एफ वन जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करैक्टर, एंड द करैक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एफ वन जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव करैक्टर। ठीक है, तो मेंडल के पहले नियम के अनुसार मेंडल क्या कह रहे हैं कि जो करैक्टर एफ वन जनरेशन में अपने आप को साबित कर देता है, दिखा देता है, प्रकट कर देता है, उसको कहते हैं डोमिनेंट करैक्टर। ठीक है, और जो करैक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं रिसेसिव करैक्टर। ठीक है, समझ में आया?
तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि एफ वन जनरेशन में जो करेक्टर, जो भी लक्षण प्रकट हो जाता है, पौधों में आ जाता है, दिख जाता है, उसी को कहते हैं प्रभावी लक्षण, यानी कि डोमिनेंट करेक्टर। और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है, दिखता नहीं है, उसको कहते हैं अप्रभावी लक्षण, मींस रिसेसिव करेक्टर। ठीक है, ये है प्रभाविता का नियम। इस लॉ को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस लॉ को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, प्रभाविता के नियम को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है। ये प्योर टॉल है प्लांट, क्या है, प्योर टॉल है। ठीक है, प्योर टॉल मतलब शुद्ध लंबा है, और ये प्लांट है प्योर डॉर्फ। यही तो लिए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो शुद्ध बोना, ये दो प्लांट लिए थे। ठीक है, अब इनके बीच जब क्रॉस हुआ था, ठीक है, तो F1 जनरेशन में क्या मिला था, कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सभी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सभी पौधे लंबे मिले, ऑल प्लांट्स आर लॉन्ग इन एफ वन जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे लंबे मिल रहे हैं, यानी कि F1 जनरेशन में कैपिटल T की वजह से सारे के सारे पौधे लंबे हुए। तो यहां पर कैपिटल T क्या है, ये है डोमिनेंट, ओके, और स्मॉल T अपने आप को साबित नहीं कर पाया, प्रूव नहीं कर पाया F1 जनरेशन में, तो स्मॉल T क्या हुआ, ये हुआ रिसेसिव। यही कहता है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जो लक्षण, जो करैक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को प्रकट कर देता है, प्रूव कर देता है, उसी को प्रभावी लक्षण कहते हैं, मतलब डोमिनेंट करैक्टर कहलाता है, और जो प्रकट नहीं हो पाता उसको रिसेसिव करैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहां कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव हुआ। ठीक है, ये तो ये होता है, और क्या होता है, ये लॉ ये भी कहता है, क्या चीज कहता है कि बट दीज करेक्टर सोज 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन। ठीक है, ये लॉ ये भी कहता है कि ये जो करेक्टर्स होते हैं, बट दीज करेक्टर्स सोज 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन। ठीक है, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस ये भी कहता है कि ये जो करेक्टर है, दोनों के दोनों ये 3:1 के रेशियो में F2 जनरेशन में प्रकट होते हैं। तो करा लेते हैं F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में क्या हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो F2 जनरेशन में क्या बना, इनके बीच होगा क्रॉस। ठीक है, इस तरह से, तो कैपिटल T स्मॉल T, कैपिटल T स्मॉल T। ठीक है, अब यहां क्या आएगा, कैपिटल T आएगा, और यहां पर कैपिटल T और स्मॉल T। ठीक है, यहां पर स्मॉल T कैपिटल T, और यहां स्मॉल T और स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी कितने में है, 1, 2, 3, तीन में कैपिटल टी है, मतलब टॉल कितने होंगे, 3, और डॉर्फ कितने होंगे, डॉर्फ होगा 1,
क्योंकि इसमें कैपिटल टी नहीं है, तो यहां पर डॉर्फ वन हुआ और टॉल थ्री हुए, तो एफ टू जनरेशन जो आई ये आई एफ टू जनरेशन। इस एफ टू जनरेशन में 3:1 के रेशियो में दोनों करेक्टर्स अपने आप को प्रूव कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है कि ये जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सली मतलब वर्ल्ड वाइड रूप से उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों, आइए बताते हैं व्हाई द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है, लिख लेते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो मेंडल का ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, अब जैसे आप देख लो ह्यूमंस में देख लो, क्या सभी लोग लंबे और बौने ही होते हैं दुनिया में? ऐसा तो नहीं होता ना कि लंबे और बौने लोग ही मिलते हो, कुछ मीडियम हाइट के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो मेंडल का पी प्लांट का ये टॉल और डॉर्फ का यहां तो साबित हो जाता है मगर ह्यूमंस में साबित नहीं हो पाता है। उसी तरह से आप ले लो स्किन कलर, तो मेंडल के हिसाब से तो दुनिया में सिर्फ काले लोग और गोरे लोग होते हैं। ठीक है, तो मीडियम जो स्किन कलर होता है वो होता ही नहीं है, हैं? मगर ऐसा नहीं है, दुनिया में गोरे भी हैं, काले भी हैं और मीडियम स्किन कलर के इंडियन लोग भी हैं, है ना। इसीलिए मेंडल का ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं और इसका नाम दूसरा भी है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।